इंफ्रा लिमिटेड, मैं रिपीट करता हूँ, पीएनसी इंफ्रा लिमिटेड स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को बिलोंग करता है, और हमें लग रहा है कि बजट के चलते ये स्पेस में थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 475 से लेके 480 के बीच में रिसेंटली, और उसका अगर हम रेशियो चार्ट देखेंगे तो रेशियो चार्ट में स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बाइंग मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है स्टॉक में, और हमें लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना था 575 का, वो रीटेस्ट कर सकता है। स्टॉक अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है डेली और वीकली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव संकेत है। चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीकली और डेली चार्ट पे काफी स्ट्रांग चार्ट स्ट्रक्चर है, और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्टॉक का इमीडिएट बेस जो है वो करीबन 500 के करीबन है, और मेजर सपोर्ट है वो करीबन 475 से लेके 480 के बीच में है। तो ये जो स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, हम करंट भाव में या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 575 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 610 का, और आपको इसमें स्टॉप लगाना है 490 का। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं ये हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, पीएनसी इंफ्रा 490 का स्टॉप लॉस, 575, 600।